माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर सब्सक्राइबर, फिर आप लोग सामने उपस्थित हूँ अपने एक नया वीडियो लेकर के। तो आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर सब्सक्रिप्शन की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मैं नए नए वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो है कोरेजी पॉइजनिंग, या तो एसिड या एल्केलाई जैसे चीज़ें अगर कोई पी ले तो उसको क्या इमिडिएटली करना चाहिए और आगे उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और किस तरह से इससे हमें बच के रहना चाहिए। देखिए, जानबूझ करके कोई भी ये एसिड या सब्सटेंस नहीं अपनी उसका सेवन करना चाहता है, पर काफ़ी लोगों में मैं देखता हूँ कि ऐसी परिस्थिति उनकी ज़िंदगी में उत्पन्न हो जाती है कि जो सुसाइडल टेंडेंसी के तहत ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। उस समय तो वो जल्दबाजी में कर लेते हैं पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इतने ज़्यादा बुरे हैं कि आपको ये समझने में भी काफ़ी दिक्कत महसूस होगी कि किस हद तक ये आगे आपकी लाइफ जो है उसको ये ख़राब कर सकता है और आपके जीने में नॉर्मल जीने की राह में किस तरह से रोड़े अटका सकता है। तो भूल के भी, गलती से भी आप एसिड पॉइजनिंग कभी भी नहीं, वैसे कोई तो कोई भी पॉइजन नहीं लेना चाहिए, पर ये जो पॉइजन होता है ये गलती से, भूल से, कि इसका रंग सफ़ेद होता है, पानी कलर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड है, या तो जो हमें घर में जो हम लोग एसिड टॉयलेट क्लीनर के रूप में रख लेते हैं, हम फिनाइल घर में रखते हैं, हम हार्पिक घर में रखते हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में छोटे बच्चे घूम रहते हैं जो कि गलती से इन सब चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। तो इमिडिएट तो हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता पर आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूँ, बहुत ही सेफली ऐसी चीज़ों को बच्चों के रीच से थोड़ा दूर रखिए और कोशिश कीजिए कि बच्चों का हाथ यहाँ तक ना पहुँचे। और कभी कभी पेशेंट आते कहते हैं भाई हमने पानी समझ के पी लिया और अचानक पता चला, तो अब इसको कैसे, अगर इमिडिएटली अगर आपके नॉलेज में कोई आता है या तो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इस तरह की पॉइजनिंग को कैसे हम डील करते हैं, तो ये मैं आगे आपको पिक्चर के फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि उससे मेरे को आपको समझाने में थोड़ी आसानी होगी। और आप इसको देखिए और इस संबंध में कोई भी अगर आपके प्रश्न आपके मन में है तो ज़रूर आप लिखिएगा और मैं आप सभी लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो आइए चलिए देखते हैं कि एसिड या एल्केलाई पॉइजन जिसे हम कोरोसिव पॉइजनिंग कहते हैं, कैसे को हम कैसे पहचान करें और कैसे इससे हम बच सकते हैं और कैसे हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, कितनी जल्दी इलाज करके हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो के अगले भाग में। कोरोसिव पॉइजनिंग जिसे हम आम भाषा में एसिड या एल्केलाई पॉइजनिंग कह सकते हैं, या तो हम ऐसे कुछ पदार्थ के नाम लें जो बहुत कॉमनली जिससे ये कोरोसिव पॉइजनिंग होती है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, घर में पाया जाने वाला फिनाइल, हार्पिक। ये ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो लोग गलती से या फिर जानबूझकर मानसिक दबाव में आकर के इसका सेवन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ज़्यादातर वस्तु इस घर में इस्तेमाल होती है पर इनके जो दुष्परिणाम है वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो जो इसको पीता है, जो मरीज जो हमारे पास आता है, हम उसमें मुंह में उसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मुंह पूरा लाल हो जाता है, होंठ सूज जाते हैं, सारा म्यूकस मेम्बर उसमें कटने लगता है। एक अगर वो एसिड जो है वो तो अंदर चला जाता है, एल्केलाई कोरेस कुछ समय के लिए रहता है वहाँ पर, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान करता है। कभी कभी जीभ पूरी तरीके से काली हो जाती है, ये तलुए में अल्सर बड़े बड़े हो जाते हैं, जीभ में इस तरह से बड़े बड़े अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह से साइड से बहुत ज़्यादा लार निकलने लगती है। इस तरह के सिम्टम हैं वो एसिड या एल्केलाई पॉइजनिंग में जो मुंह में देखने को मिलते हैं। कुछ लोग बहुत जो कहते हैं हमने बहुत थोड़ा सा सेवन किया है, अंदर नहीं गया है, केवल मुँह तक ही रह गया है, या तो मुँह में थोड़ी देर अगर वो रह जाता है तो उसके ज़्यादा लक्षण मुँह में दिखाई देते हैं, पर अगर कोई उसको जल्दी से पी लेता है और वो अंदर चला जाता है तो मुंह में उसके कुछ कम ही लक्षण नज़र आते हैं। पर उसको मुंह में देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ठीक से देखें। अब इसका ये जो ज़्यादा इफेक्ट वो शरीर के जिन अंगों में होता है वो है हमारी भोजन की नली, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, या तो फिर पेट। ये यहाँ तक पहुँचते लगभग काफ़ी मात्रा में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका दुष्परिणाम इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर थोड़ी मात्रा में पिया गया है तो वो जो भोजन नली है या पेट में उसमें
केवल लालीपल ला सकती है, या तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पिया हुआ है तो एक तरह से वो लेदरी लुक या चारकोल टाइप, या तो फिर बिल्कुल जो जैसे जला देती है उस तरह का इफ़ेक्ट इसमें आ जाता है। ज़्यादातर लोग जो है ये पॉइजनिंग है, ये पॉइजनिंग सब्सटेंस है, वो कहते हैं कि हमने धोखे से ले लिया है, या तो फिर वो किसी मानसिक दबाव में आकर के इसको मानसिक दबाव में आकर के इसको वो ले लेते हैं। पर यकीन जानिए कि अगर इसका आप बहुत ही जल्दी अर्जेंट इमिडिएटली इलाज नहीं करते हैं तो इसका दुष्परिणाम बहुत ही ज़्यादा है। मुझे कहने में संकोच नहीं होगा कि जो वो मरीज है उसकी आगे की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होगी, क्योंकि भोजन नली है तो वो खाना नहीं खा पाएगा, पेट के में अल्सर हो सकते हैं, पेट में छेद हो सकता है, पेट फट जाता है, इसमें बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जो नली भोजन नली का हिस्सा ख़राब हो चुका है उसको काटना पड़ सकता है, पेट को बाकी से जोड़ना पड़ सकता है, और इसमें कई सारे बार ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है ऑपरेशन, तो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि सक्सेसफुल हो जाए। इस पिक्चर में आप इसकी पॉइजन जो इसके जो जलने इफेक्ट की ग्रेडिंग देख रहे हैं, जिसमें अगर बहुत थोड़ा सा छिला हुआ है, या तो लालीपन है, या सूजन आई है, या तो फिर हल्की सी चारिंग है जिसे कहते हैं कि जल गया है और अंदर डीप तक जल गया है, या तो फिर बिल्कुल काले तरह के आकार का हो जाता है, ऐसे मरीज अगर आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं हों, समय पर उनको आईसीयू में भर्ती कर लिया जाए, एंटीबायोटिक दिया जाए, स्टेरॉयड दिया जाए, और जो भी अर्जेंट ट्रीटमेंट है दिया जाए। मैं इस वीडियो के अगले भाग में ये जो इसका जो परंपरागत जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो बताने जा रहा हूँ। इसलिए चाहिए कि आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो उसको किस तरह से इलाज करें ये मैं आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि जो भी एसिड या अल्कलाई गया है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ होती है वो है एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि बाजार में इजली मिल जाती है। पर अगर वो नहीं मिलती है तो आप दो ब्रेड के टुकड़े ले लीजिए, उसको आप आग में जला लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, और बहुत थोड़े से पानी में मिला करके मरीज को वो पिला दीजिए, तो वो जो एसिड या अल्कलाई है वो उसको सोख लेगा। अगर यदि आपके घर में वो नहीं है तो आप जो दूध जो अवेलेबल है, आप थोड़े मात्रा में मरीज को ठंडा दूध आप उसको मरीज को पिला सकते हैं, जिससे कि जो भी उसका इफ़ेक्ट है वो एसिड का अल्कलाई का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए और वो बहुत ज़्यादा हानि नहीं करेगा। और उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाज़ार में अवेलेबल रहती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मेडिकल स्टोर में बहुत इजली अवेलेबल हो जाती है। और तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यदि मरीज को समय से पिला दिया जाए तो इससे जो उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। हो सकता है मरीज थोड़े से ही हार्म से के बाद से वो ठीक हो जाए, जल्दी से उसका इलाज हो जाए। यदि ऐसा कोई मरीज आता है तो हमें प्रायोरिटी रहती है कि हम स्टेरॉयड, जो कि जिसमें प्रमुखता से हाइड्रोकॉर्टिजोन 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम तीन बार के डोज में, या 200 मिलीग्राम स्टेट डोज में हम मरीज को देते हैं, जिससे कि जो भोजन नली में या पेट में जो सूजन आई है और जो वो चीज़ को हम इजली कम कर सकें। अगर वो सूजन को हम इजली कम कर सकते हैं तो वो उसको हम फटने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि हम मरीज को एंटीबायोटिक दें, क्योंकि उस समय वो जो चीज़ जली होती है उस चीज़ में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम सेफ्ट्राइज़ोन या कोई लो डोज में एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। अगर आपको घर में ऐसी वारदात हुई है तो मरीज को आप प्राइमरी एड देने के साथ साथ तुरंत 108 या इमरजेंसी एम्बुलेंस को उसको आप कॉल कर लीजिए, कि मरीज़ को तत्काल किसी भी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही आपको होगा। घर में आप इसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल जा करके ये इस बात में ख्याल रखिए, मैं बार बार कहूँगा, इसमें उल्टी मरीज को नहीं कराते, इसलिए मरीज को उल्टी कराने की कोशिश आप बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि मरीज को उल्टी कराते हैं तो वो वापस को आता है और भोजन नली जो मुंह जो बचा है उसको दोबारा से जला देता है। इसमें हम तत्काल मरीज का एंडोस्कोपी अगर कर लिया जाए 24 घंटे के अंदर, इससे पहले कि ज़्यादा सूजन हो, स्कार हो, ट्यूब हमारे अंदर ना जाए, तो 24 घंटे के अंदर चाहिए कि मरीज का एक एंडोस्कोपी करके उसमें देख लें कि उसमें किस किस तरह के नुकसान मरीज के शरीर में हुए हैं, किस ग्रेडिंग का
नुकसान मरीज के शरीर में हो, जिससे कि तत्काल उस मरीज को इलाज, देखिए इस पॉइजनिंग में जितनी जल्दी से जल्दी आप मरीज का इलाज करा देंगे उतनी जल्दी उसकी आगे की लाइफ नॉर्मल के लगभग हो जाने की पूरी चांसेस रहेंगे। अगर आप इसमें डिले करते हैं किसी भी प्रकार का, तो फिर मरीज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कष्ट आगे जीवन में रहता है। मरीज कुछ भोजन नहीं कर पाता है, मुँह से हमेशा लार गिरती रहती है, हाथों में रुकावट आ जाती है, बार बार अल्सर फटने का डर रहता है, और मरीज कुछ भी हार्ड चीज़ अगर कभी खाता है तो पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। इस तरह की दिक्कत रहती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि जो भोजन की नली है उसमें स्कारिंग हो जाती है या उसका छिद्र बहुत ही छोटा हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हमारे पास बैलूनिंग का ऑप्शन है, या तो फिर हम उसमें स्टेंट डाल देते हैं जिससे कि वो भोजन नली का वो वाला रास्ता खुल जाए। इस पिक्चर में आप एक्सरे पिक्चर साइड व्यू में देख रहे हैं कि कैसे जो काला सा एरिया देख रहे हैं, कैसे उस लेवल पर आ करके भोजन नली सिकुड़ गई है, वहाँ से कुछ भी जा पाना मुश्किल नहीं होगा। मरीज कुछ भी खाने की कोशिश करेगा तो उसको उल्टी हो जाएगी। वैसी स्थिति में उस एरिया को खोलने के लिए वहाँ पे बैलून से डायलेट करने की जरूरत पड़ती है, या तो फिर इस मरीज में देखिए पिक्चर देख रहे हैं कि कैसे बैलून डाल करके उसको फुला दिया गया है उस एरिया को जहाँ पर स्कारिंग थी, या जिसे स्टेनोसिस कहते हैं, या जिसे कैसे है छिद्र कम हो जाना। वैसी स्थिति में देखिए कैसे बैलून डाल के उसको फुला करके उसको हम दोबारा नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं, पर यह चीज़ बार बार हो सकती है, इसलिए बार बार बैलून की ज़रूरत मरीज को पड़ सकती है। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैलून को डाला जा रहा है। अभी ये बैलून कोलैप्स है, फिर इसको हम फुला देंगे तो वो वाला जो एरिया है वो फूल जाएगा, खुल जाएगा। इसके साथ ही इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर जहाँ बैलूनिंग सक्सेसफुल नहीं होती है वहाँ पर हम ये सेल्फ एक्सपेंड मेटल स्टेंट डाल देते हैं, जो कि डालते ही उस एरिया में उस फैल जाता है और उस एरिया को खोल कर रखते हैं, जिससे कि मरीज आराम से खा पी सकता है। पर ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, हमको हो सकता है कि दोबारा स्टेंटिंग मरीज की करानी पड़े। तो मैं ये बता रहा हूँ किस तरह के दुष्परिणाम है। इस साथ ही मैं बताऊँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर हम आगे अब देखते हैं, इस पिक्चर में हम एंडोस्कोपी का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखिए कि कैसे जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है कैसे देखिए स्टेंट पड़ा हुआ है। स्टेंट पड़ने के बाद वो रास्ता देखिए खुल जाता है। अब ये स्टेंट पड़ने के बाद मरीज आराम से खाना खा पी सकता है, तो ये एक ऑप्शन है वो डॉक्टर के पास हमेशा उपलब्ध रहता है। ये देखिए कैसे एंडोस्कोपी की दूरबीन अंदर जा रही है, जाके पता लगाती है कि किस एरिया में, जिस पेशेंट में बैलूनिंग या स्टेंट सक्सेसफुल नहीं होता वहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन करना पड़ता है। जो एरिया सिकुड़ गया है उसको काट करके फिर उसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को पेट से जोड़ दिया जाता है, जिसको इसोफेजियो गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं, या तो फिर इसोफेजियो जुजनोस्टोमी। इस तरह के और कई सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो कि ऐसे मरीजों में किए जाते हैं। पर मैं फिर से बता दूं आपको कि सर्जरी हो सकता है कि सर्जरी एक बार भी सक्सेसफुल ना हो और सर्जरी फेल हो जाए और मरीज का दोबारा से ऑपरेशन करना पड़े। इसलिए आपको फिर दोबारा से सचेत करना चाहूँगा, घर में अगर आप इस तरह की वस्तुएँ रखते हैं तो घर में सभी लोग सावधान रहें। हम लोग ज़्यादातर जिसे कहते बुझा हुआ एसिड है, फिनाइल है, हार्पिक है, इस तरह चीज़ें घर में हम रख लेते हैं। फिर आखिरी में मैं आपसे निवेदन करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।